हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कितने स्टूडेंट्स इस बैच में? सर 100 के पार थे। पहले तो 125 बच्चे ऑलमोस्ट अटेंड करते थे क्लास को, उसके बाद 80 हुए हैं और उसके बाद अब 60-70 में पहुंच गए। तो 80 चलते हैं, 80 टू 90 बच्चे आते हैं एवरेज। तो 125 तो नहीं, पर से 100 कभी कभी। और हम 2 मिनट दे रहे हैं बच्चों के लिए। सर मेरे को एक्चुअली एक डाउट था, उसका मैंने क्वेश्चन भी पोस्ट कर दिया चैट बॉक्स में। और सर जो मैंने आपको कल कॉल, एक सेकंड तुम्हारा डाउट देख लूं मैं। कौन है यार, इन पाठक? नहीं सर, उसके वैभव विशाल जाओ, उसी के नीचे डाउट है। कल तो आर्यन पाठक ने पूछा हुआ है यस सर, अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन अदर एलिमेंट ग्रुप ऑक्सीजन और कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ऑक्साइड्स आर बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल और नॉन मेटल। ओके, अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर नो बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन विद अदर, या सी इज द राइट आंसर। कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस पर्टिकुलर बेटस में बहुत इजी है। आप इसमें HCl का मोल निकालो, NaOH का मोल निकालो, ठीक है, और इसमें जो आपको HCl का जो मोल आएगा दैट विल बी 9.9 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसका आएगा बेटा 0.0099 मोल HCl आएगा, और आपका जो NaOH है इसका मोल आएगा 0.01। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जितना एसिड होगा उतना बेस न्यूट्रलाइज करेगा, एम आई राइट? यस यस सर। तो आप 0.01 में से 0.0099 मोल HCl माइनस कर दो, बचा हुआ कितना आएगा? बचा हुआ जो आएगा वो आएगा 0.00001, यानी कि 10^-4 मोल क्या आएगा, NaOH आएगा। ये आपका क्या आ गया, NaOH का अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना है? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.1099 मिलीलीटर आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना है बेटा? 9.9 को ऐड कर इसमें 100 में, तो 109.9। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया अपॉन वॉल्यूम कर दे इनटू 1000, मोलारिटी मिल जाएगी। मोलारिटी जो आई है उसको उसका माइनस लॉग लगा के लगाएगा तो पीओएच मिल जाएगा। पीएच प्लस पीओएच इज 14, तो 14 में से जो भी पीओएच की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना, पीएच की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया मैंने क्या समझाया? यस सर, मैं ट्राई करूंगा। नहीं आएगा मुझे बताना, मैं तो उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। नो सर, अब हो जाएगा मुझसे, अब मैं ट्राई करूंगा वापस। ठीक है, ओके सर। सर आज नॉन मेटल्स और मेटल्स होने वाला है ना शुरू? हाँ, और क्या डाउट है, और किसका डाउट है? सर एक और चीज मुझे बोलनी थी, कल मैंने जो आपको कॉल किया था ना उसके लिए, मॉड्यूल के लिए, कि बी पार्ट उसका नहीं हुआ था। मैंने बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया है। ओके सर, थैंक यू सर। मैंने बोल दिया है, वो नोटिफिकेशन में डाल दी है, वो डाल देंगे, जल्द से जल्द डाल देंगे बेटा। ठीक है, और जो सॉल्यूशन चाहिए हो मुझे बता देना। ये सवाल है, ये बेसिकली आ चुका है कई बार, बहुत सारे असाइनमेंट्स में मैंने ये सवाल देखा है 11th 12th के। सर लेवल 2 में भी आ सकता है? 11th 12th के लेवल के सवाल है बेटा, ये 9th 10th में नहीं पूछे जाते, एनटीसीजीएसटीसी के सवाल नहीं होते ऐसे। सर मुझे लेवल 2 क्या एनटीएससी लेवल 2 में आ सकता है? हाँ, एनटीएससी के लेवल 2 में आ सकता है, कोई उससे बड़ी बात नहीं है। सर टैली क्वेश्चंस एंड हाइग्रोस्कोपी में डिफरेंस क्या है? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, क्या बोल रहा है? सर मैंने इसका आंसर लिखा हुआ चैट बॉक्स में, चेक कर लो आप सही है या नहीं। यस सर, लेट मी चेक, भी लिखते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ वहां पे। सर मैंने उसके डाउट के नीचे लिखा, उसने पूछा हाइड्रोस्कोपी और डेली क्वेश्चंट में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने वही लिखा हुआ। हाइग्रोस्कोपी तुमने क्या समझाया? सर मैंने तो बस मैंने यही समझाया कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने वाला मटेरियल होता है, और डेलिकेसेंट भी वही होता है, लेकिन वो इतने एक्सटेंड तक वाटर मॉलिक्यूल को अब्सॉर्ब करने की अट्रैक्शन करने की टेंडेंसी जो होती है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, उसी को हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अगला क्या है? डेलिकेसेंट।
सर वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर की वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। बताओ सर, डेलिकेसेंट वो होते हैं जो कि एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर में इतने एक्सटेंट तक मॉइस्चर लेने के बाद। एग्जैक्टली, डेलिकेसेंट वो सब्सटेंस होते हैं बेटा जो बेसिकली मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं और उसी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं एटमॉस्फेयर से ना। क्या बेटा? और उसी में ही डिसॉल्व हो जाते हैं। सर कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है एग्जांपल? आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल। किसी बच्चे ने कुछ बोला अभी कैल्शियम क्लोराइड? कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है उसका एग्जांपल? हाँ बेटा, कैसे तो डेलिकेसेंट है, ये एनवायरनमेंट से इनफ मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकता है और वो लिक्विड ब्राइन बना सकता है। ठीक है, चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलिए, सो बेटा अगर आप सभी को याद होगा तो हम सभी ने क्लास नाइन्थ में वर्ड पढ़ा था मैटर, आप सभी को याद होगा इसके बारे में। हमने पढ़ा था मैटर इज़ अ सब्सटेंस व्हिच हैज़ मास बाय वॉल्यूम। मैटर को हम सभी ने क्लेमिकली दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक था प्योर सब्सटेंस, एक था इम्प्योर सब्सटेंस। मैंने सभी को बताया था, मैंने नहीं बताया था, अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है तो उनको बताया है और नहीं पढ़ा तो नहीं बताया। प्योर सब्सटेंस फर्दर क्लासिफाई होता है एज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कंपाउंड तो आपने पढ़ लिया, जो पता नहीं एनसीईआरटी ऐसे क्यों फॉलो करता है। कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा? एसिड पढ़े, बेस पढ़ा, सॉल्ट पढ़ा, सारे कंपाउंड थे। अब आप जो पढ़ने वाले हो वो एलिमेंट, वो क्या है? मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल एंड मेटलॉइड। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, अब जो हम पढ़ेंगे वो है एलिमेंट। कंपाउंड स्टडी करने के बाद हम एलिमेंट की ओर जा रहे हैं और हम मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या दें? एनीबॉडी, किसी को पता है एलिमेंट क्या होता है? एक्शन ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनको आप उनसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अगर आप करते भी हैं तो वो अनस्टेबल होगा। आसान भाषा में बोलूं कि अगर ये आपके कॉपर की रॉड है और आपने इसको तोड़ दिया तो भी इसके जो एटम है वो कॉपर के ही रहने वाले हैं। इसको आप मेल्ट कर दोगे तो भी ये कॉपर ही रहेगा। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास कराओगे तो भी ये कॉपर ही रहेगा। यू कैन सी एट एनी कॉस्ट नो चेंज इज कमिंग इन दिस पर्टिकुलर रॉड। दिस शोज दैट कॉपर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होगा। इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। अब हम बात करें इसी अब हम इसी एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, आप सभी को मैंने बताया था जब किसी सब्सटेंस को स्टडी करते हो आप तो दो तरीके से स्टडी करते हो। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से, केमिकल प्रॉपर्टी, दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी दरअसल वो प्रॉपर्टी है
जिसको ऑब्जर्व करते वक्त नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. आसान भाषा में मैंने ये बोला है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनको ऑब्जर्व करते वक्त कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता उसे ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी. और ऐसे सब्सटेंस जिसको ऑब्जर्व करते वक्त नया सब्सटेंस बनता है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल प्रॉपर्टी. अब अगर आपने क्लास एट्थ में आपको कुछ थोड़ा बहुत याद हो, एक सदी होता था, एक जमाना होता जब आप स्कूल जाते थे और जब आप क्लास एट्थ में थे तो आप सभी ने मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा होगा. तो आपको आपने इसको डिफाइन कैसे किया होगा, मेटल्स आर गुड. हाँ क्या हुआ, कंडक्टर. मेटल आर लस्टर. ठीक है बेटा, मैं प्रॉपर्टी नहीं पूछ रहा, शांत रहिए, शांत रहिए. मेटल्स आर दो सब्सटेंस which are malleable, ductile, lustrous, sonorous. So ये सारी properties आप सभी ने, मतलब इस तरह से आपने basically किया क्या, आपने metals और non-metals की properties को use करके उसे define कर दिया. आपने कह दिया कि ये इनकी properties हैं और जो ये properties show करेंगे वो क्या है, metals हैं. Am I right? Yes sir. तो हम आज भी वही करने वाले हैं. पर अब अगर आपको याद हो तो क्लास एट्थ में आपने सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है, लेकिन क्लास टेंथ में आप केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और थॉरोली पढ़ेंगे. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी से, इनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे एंड विल ट्राई टू डिकोड लॉट्स ऑफ थिंग. टेक अ स्क्रीन शॉट मीन वाइल. सर रिटन. डन. यस सर. यस सर. यस सर. Yes, Yugjan, yes, sir, done. एक प्योर सब्सटेंस वही होता है जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं. तो ऑब्वियसली बात है, एक एटम को तो उसे सिंपलर फॉर्म में आप स्टेबल फॉर्म में नहीं तोड़ पाओगे. तो हम जब आप उसको ब्रेक करते जाओगे तो यू विल गेट द सिंपलेस्ट फॉर्म व्हिच इज स्टेबल, व्हिच इज एटम ओनली. सर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है? नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं. चलिए तो हम शुरू करते हैं. पहले हम पढ़ेंगे मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है. ठीक है, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना होगा दैट इज मेटल्स आर मेलिएबल. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दैट इज इट कैन बी, देखो ये बोलते हैं आई डॉट ई होता है, इसका मतलब होता है इन एसेंस. पर हम हमारी आदत दैट इज बोलने की है तो चल रहा है. It can be converted into thin sheets on hammering. तो मैंने ये बोला है कि मेटल्स वो सब्सटेंस हैं जिनको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर करके. और ऐसी ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी शो करे उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल सब्सटेंस. और अगर कोई सब्सटेंस ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी. एम आई राइट? यस सर. यस सर. यस सर. आपको मैं आपको कुछ मेटल दिखाने वाला हूं यहां पे, तो यू विल गेट टू नो डिटेल आइडिया, यू हैव अ क्लियर इमेज कि मास्टर क्या कहना चाह रहा है आपको. ठीक है, सो यू कैन सी हियर हाउ these metals are converted into thin sheets. You can see this particularly very clear. क्या सभी समझ पा रहे हैं मेलिबिलिटी का मतलब? एल्युमिनियम फॉइल होता है सबके घर पे. तो आप मेटल्स को हैमर करोगे तो पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा. शायद आपके घरों में भी मेटल की शीट्स लगी हो कहीं पे भी, शायद वो बालकनी एल्युमिनियम फॉइल सेटिंग बनाई गई हो. अरे क्या है, गोल्ड है क्या बेटा?
चले गोल्ड है ना। अरे बेटा गोल्ड है क्या है, छोड़ ना। कॉइल को भी तो अच्छा एग्जांपल है, बात करूंगा ये क्या है, मुझे क्या पता है क्या है, मैं कैसे तय कर लूं गोल्ड है, समझ रहे हो, मुझे भी नहीं पता है गोल्ड है ये क्या है। ठीक है, हो सकता है पॉलिश्ड कॉपर हो, ठीक है, तो ऐसे बोलना गलत होगा गोल्ड है। मैं अभी बात करूंगा बेस्ट क्या है, बेस्ट वेरिएबल कौन सा। पहले तो हमें ये समझना है कि मेटल को हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको इस इमेज में दिखाया भी है कि कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। नाउ क्वेश्चन इज कि ऐसा क्या होता है कि ये पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, यानी कि ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज शोइंग प्रॉपर्टी ऑफ मेलिबिलिटी? सर यस, इट इज बिकॉज ऑफ सर मेटालिक बॉन्ड, द एटम्स इन द मेटल रोल ओवर ईच अदर। इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आसान भाषा में इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो जो एक पार्टिकल है वो दूसरे पार्टिकल को बहुत स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है। तो जब आप हैमर मारते हो ना इस पे तो भी ये ब्रेक नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये ब्रेक नहीं होने देता इसको, इसीलिए पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये जय और वीरू की तरह है एक दूसरे के लिए। क्या ये बात क्लियर है? हाँ बोलो। वो रूल ओवर, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हो तब ये टूट जा सकते हैं ना? क्या बेटा? सर अगर लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगा एक जगह पर, एक मेटल के उस पर अगर हम देखें शीट पर, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो मुड़ जाएगा। उसका अपना अपना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कितना उस पर भार डालेंगे वो टूट जाए। तो आपको आपने देखा ही होगा कि लोहे के ब्रिज टूट जाते हैं, ब्रिज वाले हादसे होते हैं, डैम भी टूट जाता है। तो किसी भी चीज की अपनी एक क्षमता होती है, उस क्षमता के ऊपर तो टूट ही जाएगा, कॉमन सी बात है। ओके, तो आई होप ये मेटल्स कौन कौन से मेलिएबल है, मेटल्स मेलिएबल होते समझ में आया। अब हम बात करते हैं बेस्ट मेलिएबल कौन से होंगे। बेस्ट में आता है गोल्ड, गोल्ड इज बेस्ट, सिल्वर इज ऑल्सो बेस्ट, देन प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, यस प्लैटिनम ऑल्सो, देन कॉपर, कॉपर, दीज आर आर बेस्ट मेलिएबल सब्सटेंसेस। आप सभी ने देखा भी होगा गोल्ड के फिल्म्स होते हैं, फिल्म मतलब गोल्ड की शीट, सिल्वर की शीट बर्फियों में लगाई जाती है। मिठाइयां तो खाई होंगी आप सभी ने एक जमाने में। वहां से मिठाइयां आती थी तो उनमें मिठाइयों सोने, अरे क्या बात, तो उसपे सोने का वर्क होता था, चांदी का वर्क होता था। तो ये जो मिठाइयां होती है इसमें जो ये लेयर चढ़ी हुई है इतनी पतली होती है कि अगर आप अपने हाथ से भी इसको रब करोगे तो मिट जाएंगी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कितने ज्यादा ये मेलिएबल है। और आपने देखा भी होगा कि जो चांदी की जिस पे कवरिंग होती है, गोल्ड कवरिंग मिठाइयां होती है, बहुत महंगी होती हैं, है ना? पता नहीं सर, चांदी और इसके बता दूं। हां सर, जैसे इन सब की जो प्रॉपर्टी होती है मेलिएबल होने की, जैसे जो ब्रिज होते हैं वो टूट के नहीं जाते। हेलो सर, आवाज आ रही है? कम आ रही बेटा, बहुत कम आ रही। सर ऐसा बोल सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो ज्यादा मेलिएबल होते हैं? ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है बेटा, ऐसा कोई इसको कोई लॉजिक नहीं लग रहा मुझे। आयरन भी मेलिएबल है, आयरन मेलिएबल है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आयरन नहीं है? नहीं सर, जो अच्छे मेलिएबल मेटल्स होते हैं, जो ज्यादा मेलिएबल होते हैं या ज्यादा डक्टाइल होते हैं, सुनो मेलिएबिलिटी का केमिकल प्रॉपर्टी से कोई इफेक्ट नहीं डलता, मैं ये कह रहा हूं आपको। हैज नथिंग टू डू विद द केमिकल प्रॉपर्टी, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब बोलो, अब आवाज सही आ रही है? बोलना एक बार, सारे बोलो एक बार। यस सर, यस सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। आप सभी यहाँ पे देख सकते हो सर, मेरा एक डाउट था, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये जो सिल्वर की लेयर है कितनी पतली है। यस सर, अरे हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता क्या बेटा? यस सर, इट हार्म्स, हमारी बॉडी को हार्म नहीं करता? नहीं बेटा, अगर अगर आप जो ये चारक संहिता ये सब पढ़ोगे ना, जो हमारे पुराने जो वेद वगैरह हैं
उसमें ही क्लियरली मेंशन है कि जो चांदी है सोना है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है. इनफैक्ट पुराने जमाने में ऋषि मुनि सोना को यूज करते थे टीबी ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए. और ये मैंने कहीं व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ा, ये मैंने एमएससी के बुक्स में पढ़ा है. एमएससी में मेडिसिन केमिस्ट्री होती है बेटा, तो मास्टर्स ऑफ केमिस्ट्री में जब अगर आप मेडिसिन के ऊपर स्टडी करते हो ना, तो आपको वहां बताया जाएगा कि चारक संहिता ये सब किताबें जो थी उस जमाने में, उसमें भी एक से एक इलाज मेंशन थे इन सारे मेटल्स को लेकर के. तो ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट में. ऐसा नहीं है कि चांदी का पूरा सिक्का ही खा गए आप, ये फायदा देगा, समझ रहे हो? देखो याद रखना, कोई भी मेटल अगर लिमिट में आप ले रहे हो तो आपको हार्म नहीं करेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी बॉडी को उसको जरूरत है. इसका मतलब नहीं मरकरी खा जाएंगे हम, ठीक है? मरकरी इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है? लेकिन गोल्ड सिल्वर ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है और हम इसे ले सकते हैं. गोल्ड का तो मैंने आपको क्लिनिकल यूज भी बताया कि इसको ट्यूबरक्लोसिस में यूज किया था. चाहो तो आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो. और रिसेंटली ये पता किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कि शहद इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ. और ये शायद हमारे जो दादी नानियां हैं ये हमें बचपन से बताते हैं शहद कर लो, शहद खा लो. तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि जो चीज हमें फ्री में पता है उस बात को पता करने के लिए विदेशी कंपनीज जो हैं, विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो करोड़ों बहा रही हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन देता है कि हमें, आई पर्सनली फील कि हमें जो वेद हैं, ये जो वेद पुराण हैं, ये और ये जो चारक संहिता जितने भी संहिताएं लिखी गई हैं और जितने भी आयुर्वेदा की नॉलेज है, इसके ऊपर प्रॉपर पूरे वर्ल्ड वाइड रिसर्च चलनी चाहिए. क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशनड हैं जो यूजली डिस्कस नहीं होता है. तो अगर उससे हम बेटर ट्रीटमेंट खोज पाए, मतलब आयुर्वेदा और ये जो भी हमारा एलोपैथी है इसको हम साथ में कंबाइन करके कुछ अगर अच्छा कर पाए तो मैनकाइंड के लिए बहुत अच्छा होगा. या फिर किसी भी रिलीजियस बुक में अगर किसी भी तरह का ट्रीटमेंट जिक्र किया गया है तो उसमें भी वो भी हमें पिक करना चाहिए. हालांकि मैं पर्सनली आई बिलीव कि दिस बुक्स, दिस वेदास और आयुर्वेदास और चारक संहिता जी सारी बुक किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करती है. ये उस टाइम के जो वेद होते थे उन्होंने लिखी है, जो जो बेसिकली डॉक्टर्स कह सकते हैं उस टाइम के, उन लोग उस टाइम के जो नॉलेजेबल लोग थे उन्होंने लिखी है. तो हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग दिस थिंग वी शुड फोकस ऑन दिस थिंग विद अ इंक्वायरिंग एटीट्यूड. इंक्वायर करो कि ये सही है गलत है, इसको रिसर्च करो, सही साबित हो रहा है मैनकाइंड के लिए उसको यूज करो. क्योंकि अगर कोई पुरानी नॉलेज है उसको यूज करके काम चल सकता है, चलाओ, क्या दिक्कत है? Am I right? Yes, sir. This is very much important. तो I hope समय के साथ बहुत सारी चीजें खुलेंगी. जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा या कभी न्यूज सुना होगा कि दाल चावल इज बेस्ट फॉर बेस्ट फूड. और हमारे इंडियन घरों में ये चीज बहुत सालों से हम खा रहे हैं. दाल चावल तो हमारा इंडियन फूड है. मतलब Yes, sir. समझ सकते हो कि जो खाना हमें ऐसी हमें पता है कि हाँ ये हम ये हमारा डेली खाना है, ये खाना रिसर्च से मालूम पड़ रहा है उन लोगों को कि हाँ हमें ये खाना चाहिए, दिस इज द बेस्ट फूड. और अगर हम जो फॉरेन ट्रेंड है वो छोड़ के इंडियन स्टाइल में जीना स्टार्ट कर दें तो ट्रस्ट मी इंडिया में जो बीमारी का जो रेट है वो कम हो जाएगा. लेकिन हाँ, जब मैंने इसे इंडियन स्टाइल, इट डजंट मीन कि हम जो क्या बोलते जो इंडियन लोग जो बेवकूफी करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. सर इस पे डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा ये. हाँ मैं वही बता रहा हूँ. तो उस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं. सर नेक्स्ट मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल मैंने से डक्टाइल इसका मतलब ये है कि इट कैन बी स्ट्रेस्ड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स. इनटू थिन वायर इसका मतलब ये है कि हमें मेटल्स को स्ट्रेच करना चाहिए. और स्ट्रेच करने पे अगर वो लंबे लंबे तारों में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, डक्टाइल है. और वंस अगेन ये प्रॉपर्टी क्यों आ रही है, इसी कारण आ रही है. अब बात करें बेस्ट, पर्टिकुलरली बेस्ट जो डक्टाइल मटेरियल्स हैं, आप सभी देख सकते हैं वही आपके जो गोल्ड अवेलेबल है वही आपके डक्टाइल. गोल्ड
सर 5 ग्राम के गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं। 5 ग्राम से कितना खींच सकते हैं दैट इज नॉट आवर कंसर्न, है ना, अभी हम इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। फिलहाल सर एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया था ये इसी। हां मतलब एनसीईआरटी ने कुछ बोला है ठीक है, बट ये डेटा हो गया, डेटा अगर मुझे याद है मैं बता दूंगा सर। कॉपर मुझे याद नहीं है मैं नहीं बता पाऊंगा। हाँ बोलो बोलो कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर वो कॉपर कॉपर वो एग्जांपल दे रहा था सर, वो एग्जांपल दे रहा था पर मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ इस वक्त यहाँ पे, क्या आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी पतली पतली तारे हैं ये, और ये सारी स्ट्रेच करके बनी है। ऑब्वियसली बात है मेरे स्ट्रेच या आपके स्ट्रेच से नहीं हुआ है, ये मशीन्स होती हैं, मशीन्स बहुत हाई फोर्सेस अप्लाई करती हैं, स्ट्रेच करती है तब जाके पतली पतली तारों में कन्वर्ट होता है। Am I right? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. आपके बेस्ट मेटल, बेस्ट मेटल जो डक्टाइल है वो यही होंगे, गोल्ड सिल्वर एल्युमिनियम प्लेटिनम कॉपर। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया सर गोल्ड का हम इलेक्ट्रिक वायर क्यों नहीं बनाते, तो बेस्ट होता है, महंगा होता है सर, महंगा होता है कोई चुरा चोरी हो जाएगी सर, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है थोड़ा। व्हाई वी डोंट मेक इलेक्ट्रिक वायर मेड अप ऑफ गोल्ड सर? नॉट इकोनॉमिकल, पैसे ज्यादा लगते हैं, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है उसका, देश में चोरी गतिविधि बढ़ जाएगी, है ना, फिर लोग काम धंधा छोड़ के बस तार चुराने का काम करेंगे, गोल्ड चुराओ और उसे बेचो और अपना काम चलाओ। तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्राइम, इसलिए हम गोल्ड यूज नहीं करते हैं, हम एक ऐसा मेटल यूज करते हैं जो नहीं होता ना। क्या हुआ सर? अबंडेंट भी नहीं होता ना गोल्ड इतना, गोल्ड अबंडेंट भी नहीं होता, वेरी नाइस, ये भी कलर अच्छा पॉइंट है, गोल्ड अबंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है और क्राइम के केसेस को परसेंटेज को बढ़ा देगा, ठीक है। और कॉपर हम जनरली यूज करते हैं, कॉपर के ही हम वायर्स बनाते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कॉपर के कंटेनर पानी पीना चाहिए, सुना ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी से अपनी बॉडी को अच्छा कर रहे हो, जो नहीं कर रहा है वो 500-600 रुपए की बॉटल आती है अच्छे ब्रांड की नहीं, मैं आपको फिर कहूंगा ये जो आरओ कंपनीज होती है बेटा, जो ये बोल रही है कि इसमें कॉपर के गुण है, इसमें कॉपर आयन डिफ्यूज है, सब बकवास है। देखो बेटा मशीन, आप मशीन है, मशीन धोखा दे सकती है, मशीन धोखा दे सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा कॉपर आयन डिस्चार्ज कर दे या कम कर दे। जब आप एक नॉर्मल जब जो नेचुरल वे है ना लाइफ पूछने का, वैसे कॉपर को लो, आप कॉपर कंटेनर में रात में पानी रख दो, सुबह उठ के उस पानी को पियो, आपकी बॉडी के सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सर अर्दन सर ऐसे क्यों होता है सर अर्दन पॉट? कॉपर जो है पानी को पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, एंड दैट पॉजिटिवली चार्ज वाटर वर्क्स वेरी मच इफेक्टिवली इन आवर बॉडी। ये हमारा जो एज है उसको कंट्रोल करता है, मतलब हमारी बॉडी का जो स्किन है उसको सही करता है, हम हार्ट बीट की प्रॉब्लम हार्ट प्रॉब्लम सही करता है, बीपी प्रॉब्लम सही करता है ये कॉपर कंटेनर। और क्या बोलते हैं इसको, बेटा बॉडी का तीन दोष होते हैं, एक होता है वाटर कफा, ठीक है, एक और होता है पित्त, पित्त होता शायद, ठीक है, यस सर पित्त पित्त पर होता है, बैलेंस करता है हमारी बॉडी का कॉपर, कॉपर में भरा हुआ पानी जो है, सुबह सुबह खाली पेट 1 लीटर पानी पी लो कॉपर से, ठीक है, तो आपकी बॉडी जो है ना लाइफ टाइम यूज हेल्दी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी साइंस क्लास में नहीं देगा कोई, जो मैं बता रहा हूँ ये किसी भी साइंस क्लास में नहीं होगा, आई थिंक गारंटी देते हैं, ठीक है सर। ब्रास ज्यादा सही नहीं होगा क्योंकि वो इट इज नॉट ट्रू, वो बेटा अलॉय है, ब्रास में क्या होता है कॉपर जिंक होता है, जिंक पता है जिंक जो है कैंसर कार्सिनोजेनिक होता है, लेट मी टेल यू कार्सिनोजेनिक होता है, याद रखना कैंसर के सेल को, कैंसर को सेल के सेल को क्या चाहिए जिंक, कैंसर के सेल को जिंक चाहिए, अगर जिंक मिल गया ना वो फटाफट उस अपनी डीएनए को रेप्लिकेट करेगा और फटाफट बहुत सारे कैंसर सेल बनाएगा। तो ब्रास के बॉटल में तो भूल के पानी मत पीना, हम्बल रिक्वेस्ट। और सर मटका, मटका इज ओके बेटा, मटका इज ओके, नो इश्यूज, मटके पी सकते हो, नेचुरल इज फाइन। लेट मी टेल यू, जो बच्चे स्टील की बॉटल से पानी पीते हैं, स्टील की बॉटल से या स्टील के स्टील कंटेनर से क्रोमियम डिस्चार्ज हो सकता है पानी के अंदर, और ये क्रोमियम जो है ना बड़ा खतरनाक खेल खेलता है, खुद गूगल करना।
मालूम पड़ेगा क्या होता है। यस सर, कैंसरोजेनिक होता है। जो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाते हैं सर, उसमें प्योर कॉपर यूज करते हैं फिर सर अलॉय यूज करते हैं कॉपर का? वो बता, जो अच्छे ब्रांड होते हैं जो बढ़िया, क्या इलेक्ट्रिक वायर? यस सर, बट इसमें तो प्योर कॉपर ही होता है मैं जितना मुझे पता है। अभी ये महंगा भी होता है बेटा, आप एल्यूमिनियम की वायर खरीदो 2 रुपए 3 रुपए मिल जाएगा, कॉपर के बाद 10 रुपए के मिलता है आराम से पर मीटर। और उसके अंदर क्या बोलते हैं, कॉपर कंटेंट बहुत कम होता है, पतली पतली तारे होती हैं, हार्डली 2 ग्राम भी नहीं होगा कॉपर उसके अंदर पर मीटर। ऊपर जो इंसुलेशन होता है वो हैवी होता है। Am I right? Sir, yes, sir. क्या क्या? Yes, sir. क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, क्रोमियम डिस्चार्ज होता है, वही तो बोल रहा हूँ। सर, कहीं तो प्लास्टिक की बोतल से भी तो पीते पानी। हाँ, प्लास्टिक की बोतल भी कैंसरस होती है, let me tell you. आप सर प्लास्टिक तो बहुत ज्यादा, प्लास्टिक तो सर किसी भी चीज़ का होने पहले। ये सर आपने बता रखा है, प्लास्टिक की बोतल पानी पीते हैं तो हार्मफुल। प्लास्टिक की बोतल इज एक्सट्रीमली हार्मफुल, लेट मी टेल यू। वो 10 रुपए की बोतल के चक्कर में लाखों का नुकसान करवा बैठोगे, बच के रहना। जिनको लगे मेरी बात बकवास, इग्नोर कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेरी बहन ने बताया मेटल्स को आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब आप उन्हें स्ट्रेच करते हो तो वो पतली पतली तारों में कन्वर्ट हो रहा था लेकिन टूटता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। When I say metals are good conductor of electricity, it means metals के through electricity आराम से pass हो सकती है because of presence of free electrons, जो आपके metals होते हैं they have free electrons and these free electrons are capable of conducting electricity throughout its content. तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, suppose ये आपका कोई metal wire, metal है, rod है, इसके अंदर electrons होते हैं randomly जगह घूम रहे होते हैं बेचारे आराम से, ठीक है। जैसे इसे आप connect करते हो electricity से, it gets aligned in some particular direction and it start conducting the current by carrying charges. जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये चार्जेस कैरी करते हैं, अंडरस्टैंड? यस सर, यस सर। सर जो वायर गॉज होता है वो किस मेटल से बना होता है? क्या बेटा, क्या सर? वायर गॉज, वायर सर, जी ए यू जेड ई। सर पूछ रहा हूं वायर गॉज किस मटेरियल से बना होता है? तुम्हारी आवाज फट रही है बेटा, कौन बोल रही है? सर वायर गॉज किससे बना होता है? यस सर, यही डाउट है मेरा। अच्छा, यस सर, ये पूछ रहा है सबसे। तुम्हें पता है वायर गॉज की प्रॉपर्टी क्या है? सर शायद हीट को ना, इंसुलेटर सर। वायर गॉज क्या होता है? जो ट्राइपॉड स्टैंड पे रखते हैं अंदर। हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई रखना है कि हम कुछ भी, देखो जब आप बर्नर पे हीट करते हो ना तो वहां पर सिर्फ जरूरी नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही जाए, 180-200 तक भी हीट करते कई बार हम, तो वहां पे वायर गॉज कैपेबल होना चाहिए उस टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए। तो वहां पे एक सिंपल मेटल नहीं हो सकता। हम एक ऐसा कंटेंट लेते हैं, ठीक है, जो कि जल्दी गर्म भी हो जाए, ठीक है, जल्दी ठंडा भी हो जाए और किसी और तरह की साइड इफेक्ट ना शो करें, तो ये एक अलॉय होगा बेटा। सर सर बनता किससे है? क्या अलॉय? अलॉय किसी भी दो मेटल का हो सकता है। अलॉय
दो मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मेटल नॉन मेटल मिक्स भी हो सकते हैं। सर आगे सर हाँ बोलो सर, डक्टाइल में डक्टाइल मतलब कि सर जो स्ट्रेच कर सकते हैं सर, जो हम वायर्स बनाते हैं सर वो हम दो एंड को सर खींच के बनाते हैं। हाँ बेटा और कैसे बनाएंगे। बाकी एग्जैक्ट तो मुझे भी मुझे इतना डिटेल नहीं पता वो कैसे सच में स्ट्रेच करते हैं, बस स्ट्रेचिंग से तो कन्वर्ट होगा ना थिन वायर में, ये भी सोचो। यस सर। तो आई सेड कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन है, दीज एक्ट एज अ चार्ज कैरियर, ये चार्जेस कैरी करते हैं। अच्छा इसमें बेस्ट क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर कौन से होंगे? गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, सिल्वर, इनका रेजिस्टिविटी कम होता है, एल्यूमिनियम। ठीक है पुअर कंडक्टर कौन सा होगा, पुअर मेटल? लीड, मरकरी। वेरी गुड, कौन बोला ये? सर लेड मेटल होगा, लेड मेटल होता है बेटा। सर टंगस्टन वायर। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने यहाँ पे आयरन क्यों लिखा? सर आयरन की रेजिस्टिविटी थोड़ी नॉर्मल होती है, बीच में होती है। लगता है तुम पुराने स्टूडेंट हो क्या, तुम्हारा नाम क्या बेटा? सर वैभव विशाल झा नाम है मेरा, लेकिन मैं पुराना स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं इसी साल ज्वाइन किया। ओके बताओ क्या बता रहे हो। सर मैं कह रहा था कि आयरन की रेजिस्टिविटी थोड़ी मॉडरेट होती है, बीच में होती है। ठीक है उससे क्या होगा? सर उससे ये होगा कि वो करंट को जो है थोड़ा ज्यादा रेजिस्ट करेगा एज कंपेयर्ड टू गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, और वो करंट को ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो कम पास होने देगा वो करंट को, और कम पास होने देगा तो फिर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। देखो आप सभी ने देखे होंगे इलेक्ट्रिक वायर्स आपके घरों तक आ रहे हैं, और आप लोगों ने बड़े बड़े हाई टेंशन वायर भी देखे होंगे, वो सारे के सारे आयरन नहीं है, लेट मी टेल यू। ठीक है तो वो एल्यूमिनियम वायर्स हैं, हो सकता है कि उसके अंदर कोई और मेटल मिक्स किया गया उसकी स्ट्रेंथ के लिए, पर वो सिंपल एल्यूमिनियम नहीं है, ये बात तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कोई और मेटल मिक्स करके एल्यूमिनियम के साथ करके कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, बट वो आयरन नहीं है ये कन्फर्म है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि आयरन क्यों नहीं है, आयरन क्यों नहीं यूज कर रहे? आयरन तो एक अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, अगर मैं आयरन को इलेक्ट्रिक सर्किट में जॉइंट कराऊंगा तो करंट लगता है सर, तो आयरन क्यों नहीं ले रहे? तो बेसिकली द पर्पस ऑफ नॉट टेकिंग आयरन इज दैट आयरन की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है, और उस हाई रेजिस्टिविटी के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी उनके बीच पास होता है ना, उनके थ्रू पास होता है, तो इट अपोज दैट मूवमेंट ऑफ चार्जेस। और आप सभी को पता ही होगा रेजिस्टेंस एक ऑपोजिंग फोर्स है जो चार्जेस के मूवमेंट को अपोज करता है। यहां पढ़ा दिया मैंने, यस सर, ऑब्स्ट्रक्ट करता है उसको। यस सर। सर एक और चीज बहुत बड़ा उसमें कारण होती है कि उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हाई वोल्टेज अगर उससे पास कराते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट भी उसका लो होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। अरे इसे छोड़ दो बेटा, आप आसान भाषा समझो, जो आपको एग्जाम में लिखना है वो समझो, जिस तरह से वो समझ में आ जाए। अभी वोल्टेज के टर्म में बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टिविटी हाई है, जैसे ही चार्जेस उसके थ्रू फ्लो होना चाहेंगे उसे पोस्ट करेगा, जैसे ही उसे पोस्ट करेगा इट विल जनरेट हीट इफेक्ट, इट विल जनरेट हीट, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट के कारण वो हीट जनरेट होगा, तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सपोज आपका जो पावर प्लांट है वो यूपी के किसी डैम पे बना हुआ है, वहां से दिल्ली के लक्ष्मी नगर या यमुना विहार तक लाते लाते बिजली सारी गायब हो जाएगी हीटिंग इफेक्ट के कारण। Am I right? सर, yes, sir. Yes, sir. इसी वजह से हम कोशिश करते हैं ऐसा वायर ले, इलेक्ट्रिक वायर, yes, जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ना के बराबर हो ऐसा हो सके तो, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ना के बराबर हो, जितना कम हो सके उतना कम हो। ठीक है, एंड वी ट्राई टू यूज सच काइंड ऑफ मेटल्स फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर पुअर कंडक्टर में टंगस्टन भी आएगा ना? आई एम नॉट श्योर टंगस्टन आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यस मैम सर आएगा, आएगा यस सर, उसकी भी हीटिंग इफेक्ट आता है, सर हीटिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। देखो 118 एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअल स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं हो पाता है,
ठीक है, तो मोर ओवर ये टंगस्टन जो है आपका ट्रांजिशन मेटल में आता है, तो डोंट वरी, ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट दैट। सर गैलियम आ सकता है क्या? अरे क्या बोल रहा है सर, वो कह रहा है गैलियम आ सकता है सर, गैलियम आ सकता है सर, गैलियम आ सकता है। गैलियम क्या होता है सर? मेटल होता है सर, मेटल और मेटल। अच्छा गैलियम सर, सर इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं है, लेकिन वो शायद से पी ब्लॉक में आता है, वो लिक्विड होता है सर, वो लिक्विड। गैलियम को ले सकते हो, गैलियम को, हां गैलियम को आप ले सकते हो, गैलियम ले सकते हो, गैलियम ले लो, गैलियम इज अ पुअर कनेक्टर ऑफ सर, वो लिक्विड बन जाता है जब उसको हैंडल करते हैं तो। हां राइट, बताऊंगा इसके बारे में। तो ये तो बात कर रहे हैं गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, लॉय की नहीं क्या सर? टंगस्टन अलॉय है या फिर नहीं? मैं टंगस्टन एलिमेंट है, एलिमेंट है मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके सर, ओके। नेक्स्ट, मेटल्स आर गुड कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट, हीट। क्यों होते हैं गुड कनेक्टर हीट के सर? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो हीट जो है वो आसानी से ट्रेवल कर जाती है इनके पार्टिकल्स के थ्रू। सर मैंने कुछ और पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो वो आयंस को वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग मोड में डाल देते हैं, तो जिस वाइब्रेशन हो जाती है वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स। होता क्या है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं उसे टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे टू एंड फ्रो ऐसे मूव करा सकते हैं। इस टू एंड फ्रो मोशन के कारण जो हीट एनर्जी है वो आगे वाले पार्टिकल में पास हो जाता है, और इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो ये कंटेनर है दिस कैन इजिली पास हीट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इसका एक एग्जाम एक वो भी बनता है, सेटअप भी आता है, एक्टिविटी आती है जिसमें हमने एक रॉड ले लिया और हाइड्रोजन बॉम्ब लगा दे इसके नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप सभी ने देखा भी होगा हाइड्रोजन बम का रिसेंट फुटेज रशिया ने रिलीज किया है। यस सर, देखा? नो रीजन, नो सर। वो शो करता है कि जब इंसान, यस सर, यस सर, किसी को मारेगा, ठीक है, तो दिस बॉम्ब्स आर अ थ्रेट टू मैनकाइंड। तो रशिया भोग चुका है इस चीज को पहले भी, ठीक है, रशिया का चेर्नोबाइल डिजास्टर आप लोग पढ़े किस तरह से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के कारण पूरा पूरा शहर बर्बाद हो चुका रशिया का। तो ये जो पावर गेम चल रही है उसमें नुकसान ह्यूमन काइंड मैनकाइंड का ही है, ह्यूमंस का ही है। लेट्स सी कहां तक जाता है ये सारी चीजें। कोरोना भी कह सकते हो किसी के पावर दिखाने का नतीजा है जो आप पूरी दुनिया भुगत रहा है, और आज चाइना पूल पार्टी कर रहा है। आई होप आप सभी ने फुटेज देखा भी होगा। यस सर, यस सर, आज वुहान में पार्टीज हो रही हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहा है, पूरा देश पूरा दुनिया कोरोना को फेस कर रहा है। डेफिनेटली चाइना हैव अ वैक्सीन अबाउट फॉर दिस पर्टिकुलर वायरस, बट ही इज नॉट डिस्क्लोजिंग दिस विद द वर्ल्ड। यस सर, फॉर द बेस्ट। सो आई सेड कि जो आपका मेटल्स है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू वाइब्रेट, अरे क्या हो गया ये, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल। तो जब ये टू एंड फ्रो मूव करेगा हीट को आगे पास कर देगा। तो बेस्ट कौन से होंगे, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बताओ, इसमें तो आयरन नहीं करते ना? हाँ सर, इसमें तो आयरन ले सकते हैं।
मैं बेस्ट कंडक्टर में लेड एंड मरकरी लेड गैलियम लेड एंड मरकरी लेड एंड मरकरी यस सर मरकरी तो होगा ही बिकॉज वो तो पिघल जाता है सर गैलियम भी हो सकता है सर लिथियम भी हो सकता है लिथियम आ सकता है अब क्वेश्चन है कि क्या मर्क्यूरी है क्या मर्क्यूरी बैड कंडक्टर है नो सर नहीं सर नहीं है नो सर है मैं जरा सा कंफ्यूज करता हूँ आप लोग हो जाते हो मर्क्यूरी इज आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट अगली प्रॉपर्टी बताओ सर ब्रिटल सर ब्रिटल सोनरस 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 प्रॉपर्टी पे सर मर्क्यूरी जो हम ले रहे हैं कि कह रहे हैं कि पुअर कंडक्टर है तो सर हम उसे लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं या फिर सॉलिड फॉर्म में लिक्विड ब्रो लिक्विड रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं ये बातें हमारे रूम टेम्परेचर पे हो रही हैं नेक्स्ट मेटल्स आर सोनोरस देखो मेरी ग्रामर पे मत जाना मैं एस लगा रहा हूँ आर आ रहा है तो हो सकता है मैं गलत हूँ तो एक केमिस्ट्री टीचर को इंग्लिश में माफी देने का हक है ठीक है मुझसे इतना इंग्लिश ग्रामर का उम्मीद ना करें ना ही मेरे इंग्लिश को इंटरेस्ट है ठीक है तो मेटल्स आर सोनोरस इसका मतलब क्या है इसका मतलब सिंपल सा है आपके स्कूल के जो बेल बजता है ना वो बेल या मंदिर की जो घंटी होती है आप सबने वो भी सुनी होगी आपने देखा हो तो मंदिर की घंटी कोलाइड करती है या जब आपके घरों में भी मंदिर है जो वहां जब आप मंदिर घंटा बजाते हो तो एक अलग तरह की साउंड क्रिएट होती है उसको हम बोलते हैं रिंगिंग साउंड है ना यस सर यस सर वेव की फ्रीक्वेंसी की वजह से रिंगिंग साउंड को ही हम क्या बोलते हैं सोनोरस ये जो रिंगिंग साउंड है इसी को हम क्या बोलते हैं सोनोरस सो व्हेन टू मेटल्स स्ट्रक टू ईच अदर दे क्रिएट अ रिंगिंग साउंड एंड दैट रिंगिंग साउंड इज द टर्म defined as sonorous next metals are lustrous iska matlab kya hai metals have shiny surface shiny ab main aapko metals dekho technology hai to ab aapko metal bhi dikhata hu lustrous metals let me get some pics सोडियम अब मैं आपको बप्पी लहरी के फेवरेट चीज दिखाऊंगा यू नो बप्पी लहरी यस सर यस सर यस सर सो यू कैन सी हियर दिस इज गोल्ड एंड सी हाउ शाइनी दिस गोल्ड इज तो लस्टरस का मतलब है शाइनी सरफेस होना यू कैन सी हाउ मच शाइनी दिस गोल्ड इज And any substance which have a shiny surface is said to called lustrous. Okay. Sir. No. हाँ बोलो. Sir, lustrous property है sir ये chemical से मतलब कैसे क्यों है sir? बेटा देखो इसका answer पता है ये basically पढ़ते physical में है लेकिन इसका एक answer जो है electron transition से होता है. ठीक है. Basically होता क्या है higher classes में आप molecular orbital theory पढ़ोगे ना तो वहां बताया जाएगा आपको कि इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके होमो से ल्यूमो में जंप करते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है ना इसके कारण ये लस्टरस सरफेस आते हैं ओके सर मतलब ये सब मेटल्स में ही होता है सर ये इलेक्ट्रॉन वीकली अटैच मेटल्स में हो सकता है देखो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होते हैं ट्रांजिशन हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के हायर लेवल से दूसरे लेवल पे वहां पे आप शाइनी सरफेस देख पाओगे अच्छा ये बताओ क्या ये लस्टरस है यस सर है यस सर है वही बताओ यस सर है यस सर नहीं है जिसके चक्कर में रितिक रोशन बड़ा परेशान था ठीक है तो ये लस्टरस है नो दिस इज स्पार्क दिस इज स्पार्कलिंग नो
अब स्पार्क सर ग्रेफाइट एंड आयोडीन इंटरनल इफेक्ट टोटल इंटरनल इफेक्ट के कारण डायमंड स्पार्कल्स अंधेरे में डायमंड नहीं चमकता आप सभी को पता भी होगा और यकीन ना हो तो अगर आपके पास डायमंड है तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ठीक है तो मतलब अंधेरे में मेटल्स चमकते हैं तो ये टर्म नहीं पता है दिस अ पार्ट ऑफ फिजिक्स फिजिक्स के ऑप्टिक्स में ये पार्ट डिस्कस किया जाता है यस सर हम पढ़ने वाले हैं हां तो इसके बारे में आप रिफ्लेक्शन होती है मल्टीपल एक रिफ्रैक्शन मल्टीपल रिफ्रैक्शन होती है बस वही बता और सर एक और बात पूछनी थी कि सर सोनोरस किसकी वजह से रिंगिंग साउंड बेसिक वही है बेटा देखो वाइब्रेटरी मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन है जो मोशन है ना उसके कारण आ रहा है ये साउंड क्रिएट होता है ठीक है बाद में पढ़ोगे एमएससी में पढ़ाया जाएगा आपको एनहार्मोनिक मोशन हार्मोनिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे जैसे 11th जैसे सिंपल हार्मोनिक तो सर 11th में ये तो मैं थोड़ा सा एमएससी लेवल की बात कर रहा हूँ 11th में फिर भी थोड़ा छोटा छोटा सा है वो ठीक है हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको चीजें अलग तरीके से बताई जाएंगी तो वहां पे आपको भी मालूम पड़ेगा कोई चीज टूटती क्यों है और कोई चीज क्यों कब तक नहीं टूट सकती ठीक है तो एनहार्मोनिक मोशन ये सब पढ़ोगे सारी चीजें अभी नहीं है अभी रिलैक्स रहो अभी समझाना पॉसिबल भी नहीं मिल रही ओके सर चलिए बात कर रहे थे हम मेटल्स आर लस्टरस इसका मतलब दे हैव शाइनी सरफेस चमकता है मेटल आपका आपने देखा भी होगा एग्जांपल आपको पता ही होगा गोल्ड है सिल्वर है इसमें तो कोई शक ही नहीं है अगली प्रॉपर्टी मेटल्स आर हार्ड सर रिजिड नहीं बोल सकते हार्ड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी एंड पोटेशियम पोटेशियम और लिथियम जिंक सोडियम एंड पोटेशियम सर एल्कली मेटल्स हां सर जिंक नहीं आएगा इसमें जिंक इतना भी सॉफ्ट नहीं होता सोडियम पोटेशियम गैलियम बेटा अभी तुम शांत हो जाओ अभी यहां देखो अभी मैंने ये बोला है कि मेटल्स हार्ड होते हैं यानी कि इजीली उसको आप चाकू से नहीं काट सकते लेकिन सोडियम पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसको आप चाकू से काट सकते हो जब हम लेबोरेटरी में काम करते थे तो हम तो ब्लेड रखते थे बेटा मतलब ब्लेड हम उसमें रखते थे सिर्फ क्या बोलते हैं हमारे लैब उसमें लॉकर में हम इसी से ही काटते थे इसको क्योंकि चाकू कई बार मिसप्लेस होता था तो हम सभी ने एक बड़ा ब्लेड रखा हुआ था उस ब्लेड से ही हम काटते थे इन सब पर्टिकुलर सोडियम के खास एग्जांपल को सर ऐसे में तो मतलब केरोसिन ऐसे भी रखते होंगे क्योंकि वरना वो रिएक्टिव हो जाते हैं इसको हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये काफी रिएक्टिव होते हैं एंड जैसे ही ये कॉन्टेक्ट में आते हैं मॉइस्चर के ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं और सर जब आप कट करते हैं तब कैसे करते हैं तब भी लेयर लगा के रखते हैं डिप में वो गीला ही रहता है बेटा सर पैराफिन होता है ऐसा नहीं है कि जैसे निकालोगे पैराफिन पकड़ लेगा देखो मैं फिर बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि जैसे इसको एनवायरमेंट बाहर निकालोगे आग पकड़ लेगा अगर केरोसिन में डिप है तो बाहर निकाल हाथ में नहीं ले सकते बेटा ये वो नहीं है च्युइंगम नहीं है कि मुंह में दबा लो या खतरों खिलाड़ी भी नहीं खेल रहे हैं हम दांत से काट के दिखाएंगे इसको ठीक है ना मैंने ऐसी कोई गतिविधि की है मेरा मानना है कि केमिकल्स हमारे सबसे बड़े दुश्मन है और सबसे बड़े दोस्त भी है तो ज्यादा इनसे दूरी जितनी डिस्टेंस रखोगे उतना अच्छा है अंडरस्टूड आवाज आ रही है आपको मेरी यस सर यस सर प्लीज वेट मेरा नेट नहीं काम कर रहा है क्या हो गया सर्च नहीं कर रहा है ये खैर छोड़ो कोई नहीं सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है ना इसीलिए बीच बीच में एटीट्यूड दिखाता है क्या बेटा क्या कर रहे हो
मैं कह रहा हूँ सर नेटवर्क को सबसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना, तो इसीलिए वो बीच बीच में ऐसा होता है। तो आसान थोड़ा कर रहा है ना, वी आर पेइंग फॉर दिस। एक सेकंड रुको बेटा, नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ अपना। आई गेस अब सही आ रही है बात सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। सर हमारी आ रही है? हाँ बेटा आप लोगों की आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है। तो ये आपके दो फेवरेट मेटल्स हैं, ये कह सकते हो बड़े ही खतरनाक हैं, इनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है आपके लाइफ के लिए। देख सकते हैं ये मेरे हिसाब से पोटेशियम है और ये आपका सोडियम है, जितना मैंने काम किया है ऐसा दिखता है सोडियम। पोटेशियम पे मैंने काम नहीं किया है, मैंने इस पे काम किया है, ठीक है। इसके फ्यूजन ट्यूब्स बनाए हैं मैंने लेबोरेटरी में, आप जब आएंगे केमिस्ट्री लैब में कब काम करेंगे, कभी गलती से केमिस्ट्री ले लिया आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे तो आप लोगों को मालूम पड़ेगा ये सोडियम है। एंड इसको हम केरोसिन में डिप रखते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर मैं चाकू से काटूंगा चाकू से कट जाएंगे, ठीक है। और बाकी मेटल्स को आप चाकू से इजिली नहीं काट पाओगे, सॉफ्ट मेटल्स ही है आसान भाषा में। क्लियर है? यस सर, यस सर, ठीक है। इसको कर लेते हैं हम दैट दे आर सॉफ्ट मेटल स्ट्रांग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी सर, ये इजीली कट क्यों जाता है, किसके प्रेजेंस में होता है? क्या सर, किसकी प्रेजेंस में होता है कि जो पोटेशियम और सोडियम होते हैं वे इजीली क्यों कट जाते हैं? बेटा इसकी इंटरपार्टी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है इसलिए कट जाता है। मान लो तुमने पे दोस्त का हाथ पकड़ा हुआ है और मेरे देखते ही तुमने उसका हाथ छोड़ दिया, इसका मतलब है ना कि तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं तुम्हारे दोस्त से, है ना। और अगर तुम दोस्त दोस्त हो, तुम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हाथ एक दूसरे का छोड़ो, तुम फिर भी नहीं छोड़ते तुम उसको, सॉरी मैं जितनी तैयार है मेरा दोस्त है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग है उसके बीच में। समझ में आ रही है बात? यस सर। हाँ तो दिस इज मेटल, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मैंने अगला पॉइंट ये लिख दिया है कि मेटल्स आर जनरली हैवी। मेटल्स आपके हैवी होते हैं जनरली, भारी होते हैं मेटल्स, तो इनका जो डेंसिटी होता है काफी हाई होता है। अब ये पॉइंट भी आप याद रखें। अगला पॉइंट है दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, सपोज ये आपका सीलिंग है और ये यहां से आपने एक मेटल को बाइंड किया हुआ है, ये इसका हुक है, इस हुक से आपने 50 केजी का वेट अटैच कर दिया और ये जो मेटल है ये 50 केजी का वेट उठा रहा है, और अगर ये नहीं टूट रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर मेटल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई है। एम आई राइट? यस सर, यस सर। और अगर मान लो ये 5 केजी में ही टूट गया तो देखा भी होगा बिहार में रिसेंटली एक पुल बना था, एनडीटीवी पे एक बार एक रिपोर्ट देख रहा था मैं। यस सर, वो टूट गया था, पुल था वो पुल ही टूट गया उनका, मतलब दिस शोज की कितनी अच्छी क्वालिटी लगाई जा रही है उस पुल में। तो इस जब कोई भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, कोई भी पुल बना रहे हो, तो आपके पास सारा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लड प्रोन एरिया है वो, तो वहां पे तो आपको सारा फ्लड का जो है बेसिकली एनालिसिस है वो करना पड़ेगा आपको, उस पुल की स्ट्रेंथ को चेक करना पड़ेगा आपको। अगर पुल ऐसे टूट रहे हैं तो समटाइम आई फील
is it safe to travel on railways and airlines? मतलब I don't have that much trust. Trust issues आ चुके हैं मेरे पास. तो ये एक बड़ा factor है कि अगर carelessly काम हो रहा है तो दिक्कत वाली बात है. सर पा रहे हो मेरे? हाँ बोलो सर. malleability tensile strength पे depend करती है. और सर फिर tensile strength किस पे depend करती है? exceptions बता दीजिए एक बारी. क्या क्या malleability क्या बेटा? सर malleability तो tensile strength पे depend करती है और सर फिर tensile strength किस पे depend करती है? सुनो सुनो, tensile strength का मतलब ही वही है कि break ना हो. तो वो obviously बात है, interparty का force of attraction की ही बात हो रही है आसान भाषा में. ठीक है, बस एक तरह से टर्म मुझे इंट्रोड्यूस करना है आपके सामने तो मैं कर रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है करने की, है ना? समझ रहे हो? ओके सर. यस सर. यस सर. सो दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये अगला पॉइंट है आपका. अगला, they are generally found in silvery or grey color. Generally वो silvery color के होते हैं या grey color के होते हैं. ठीक है, तो आप ये observe करोगे जितने आपके metals हैं वो silver color के होंगे, यानी कि चांदी जैसा रंग होगा उसका, या grey color का ही होगा, except गोल्ड. एक्सेप्ट गोल्ड. येलो होता है गोल्ड? कॉपर. कॉपर. कॉपर कैसा होता है? येलो. रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन. क्या ये बात क्लियर है सभी को? Yes sir. और बताओ, और पॉइंट कोई आप लोगों के दिमाग में अगर आ रहा है तो. एंड यू वांट टू हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सर. ब्रिटलनेस. वेरी नाइस. बोलो क्या कह रहे हो बेटा? सर ब्रिटलनेस बोल रहा हूं. इसमें ब्रिटल नहीं है, नॉन ब्रिटल आया. पेट भी तो आएगा. इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. कौन झगड़ा कर रहा है ये पीछे? झगड़ा नहीं करो बेटा, पढ़ाई कर लो. सर विच हैव वन टू नहीं सर, ये केमिकल पॉइंट है. द स्टेट ऑफ मैटर. सर इट होल्ड्स लार्ज 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 वेट. हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम सीजियम गैलियम कॉपर. सोडियम. सोडियम का कितना होता है? पता नहीं सर. सर रूम टेम्परेचर. सर 98 डिग्री सेल्सियस टू 64. ये सर मर्क्यूरी भी तो होता है बेटा. मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है ये भाई. मैंने मेल्टिंग पॉइंट लिखा है. ठीक है, और आपका जो रूम टेम्परेचर पे सारी बातें कर रहा हूँ. रूम टेम्परेचर पे तो ऑलरेडी मर्क्यूरी जो है लिक्विड होता है. तो यहाँ से एक और पॉइंट आपने इनडायरेक्टली मुझे बता दिया कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. सर वही तो स्टेट ऑफ मेटल. सर ये पोटेशियम के बाद क्या? सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे तो क्वेश्चन बनेगा. ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है. विच द फॉलोइंग मेटल नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर. आसान भाषा में समझिएगा, इस सारा का सारा रूम टेम्परेचर की कहानी है. समझ में तो आ रहा सभी को? ऐसे तो नहीं है? यस सर समझ में आ रहा है. इसको नोट किया जाए. शायद दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. अरे बेटा वो केमिकल प्रॉपर्टीज है. सर ऐसा नहीं. सर दे आर ओपेक. सर दे आर ओपेक इन नेचर. ओपेक बेटा ऑब्वियसली सारे मेटल ओपेक ही होते हैं. ओपेक सर. ओपेक ट्रांसपेरेंट नहीं होता कोई एलिमेंट.
अपने सेल्सियस में लिखेंगे सर। सर सभी को क्लियर है इतना? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। यस सर। नो सर। सर नो सर नो डाउट क्लियर सर। बोलो सर। जो आपने पॉइंट बताया कि मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो सर इसमें कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है जिसमें नहीं लो डेंसिटी हो जिस मेटल में? मेटल्स हैव हाई डेंसिटी में एक्सेप्शन सोडियम एक्सेप्शन तो नहीं है, बट मैं आपको एक बड़ा प्यारा एग्जांपल दे सकता हूं। सुनो आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और ये एग्जांपल मर्क्यूरी का है। मर्क्यूरी की डेंसिटी आयरन से भी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि मर्क्यूरी के सॉल्यूशन पे आयरन का रॉड फ्लोट करेगा। यस सर, हम मर्क्यूरी के टर्म्स में भी मेजर करते हैं प्रेशर को, और वो सबसे ज्यादा कंसाइज होता है यूनिट। यस सर, उससे ही करते हैं। 760 mm ऑफ Hg। यस सर। सभी नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। Let me check, I got some lithium also has low density. बेटा देखो, अगर आप periodic table के according देखोगे तो obviously बात है lithium का सबसे कम होगा density, ठीक है? Lithium is the कह सकते हो smallest metal kind of, है ना? तो सबसे छोटा है तो lithium सबसे कम density होगी। Cesium के around 28 degree Celsius होती है melting boiling point लिखा है इसने। Boiling point बेटा पता करना पड़ेगा। देखो boiling point, melting point याद नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा ओलंपियाड में कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस, ऐसा नहीं आने वाला है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक थ्योरेटिकल डेटा है। हम जब लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हमें किसी का बॉइलिंग पॉइंट याद नहीं करना होता है एक्सेप्ट वाटर का, ठीक है? बाकी सबका बॉइलिंग पॉइंट की बुक होती है, वो एग्जाम में भी प्रैक्टिकल एग्जाम जब आप दोगे ना तब भी आप उस बुक को रेफर कर सकते हो। पर जैसे टंगस्टन है उसका तो सर स्पेसिफिकली दे रखा था, तब भी नहीं पूछा जाएगा वो। क्या बेटा क्या टंगस्टन का? तो 338 जैसे आपने टंगस्टन का बताया सर, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिकली दे रखा है एनसीईआरटी में, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है, तो सर वो भी नहीं आ सकता। बेटा देखो एग्जाम में अगर आपको एग्जामिनर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा तो हार्डली आयरन के ऊपर पूछ लेगा, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है अराउंड 1535 डिग्री सेल्सियस, या फिर कॉपर का पूछ लेगा तो कॉपर का होता है अराउंड 1083 डिग्री सेल्सियस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कॉपर का चेक करो एक बार कितना है, 1083 है क्या? ये 1038 है। यस सर। सर आपने अभी एग्जांपल इलिवेटेड 90 डिग्री सेल्सियस से ब्लेंड करने थोड़ी क्या बेटा क्या सर 1085 कॉपर और आपसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट पूछ लेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आपको। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू सर। जो आपने ओके सर, अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो आपके आप मेटल्स आर जनरली लस्ट्रस, देन व्हाई आयरन इज नॉट शाइनी इन नेचर, मतलब इट हैज बीन फाउंड कि एक मेटल है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, एक मेटल है जो बाहर पड़ा हुआ है पर वो शाइनी नहीं है, क्यों नहीं है शाइनी? तो उस इस ऐसे क्वेश्चंस में कैसे आंसर करोगे? हेलो सर, क्योंकि ऑक्साइड की लेयर बन गई है, मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई है। बिल्कुल सही, मेटल ऑक्साइड की उसमें लेयर बन गई है, इसको हम रस्ट बोलते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बट विल वेट फॉर दिस। यस प्रतीक, हो सकता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो सोडियम की, और इससे एक चीज और बताऊंगा मैं आपको कि गैलियम का भले ही मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 1300 डिग्री सेल्सियस, 1200-1300 के बीच में होता है। तो इसके कारण हम गैलियम को यूज करते हैं
थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी का होता है 350 का राउंड होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, 350 का अबव आपका जो मर्क्यूरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो 400 आते आते वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। तो उसके ऊपर के टेम्परेचर को कैसे मेंशन मेजर करेंगे हम, हम करते हैं सर सेल्सियम का कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्या सेल्सियम का क्या बोल रहा है बेटा सर, सेल्सियम का जो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत तो बोल रहा हूं मुझे याद नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में, जरूरत नहीं समझा, ठीक है, अगर मैंने पढ़ा होता कहीं मैं देखा होता तो मैं आपको बताता, ये थ्योरेटिकल डेटा है, इसको लेके तू टेंशन नहीं लेना, नेट पे गूगल गूगल पे चेक कर लो उस वैल्यू को, कांसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा वो इंपॉर्टेंट है, वैल्यू इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी आईआईटी जेई में ये नहीं पूछेगा कि अच्छा बहुत तेज हो बताओ एटॉमिक नंबर 99 का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला, नेवर दे विल नॉट नेवर आस्क सच क्वेश्चंस, इट्स एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कांसेप्ट एंड योर एप्लीकेशन माइंड टुवर्ड दोस कांसेप्ट, ठीक है, इट इज नॉट अबाउट थ्योरेटिकल डेटा, ये साइंस में बेटा वो नहीं होता कि बताओ पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि जूनागढ़ के राजा जो थे वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, चिल करो, नोबडी आर गोइंग टू आस्क सच क्वेश्चंस, ये हिस्ट्री नहीं है, एसएससी नहीं है, मैं किसी सब्जेक्ट को नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि साइंस में डेटा थ्योरेटिकल डेटा को ऊपर फोकस ना करके, मतलब उनको जो डेट्स हैं कि इस साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया, ऐसे क्वेश्चन ना करके ये आएगा कि किस साइंटिस्ट ने किया और कैसे किया और क्या कंसेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तो आएगा, भाई नाम पूछ ले आपसे, सर लस्ट्रस और ल्यूमिनस में डिफरेंस क्या है, क्या लस्ट्रस और ल्यूमिनस में डिफरेंस क्या है, दोनों को एक ही जैसे प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस और ल्यूमिनस में बेटा लस्ट्रस और ल्यूमिनस में डिफरेंस क्या है, ल्यूमिनस का मतलब है कि वो लाइट का एक सोर्स है, उसके थ्रू लाइट निकल रही है, समझ रहे हो, और लस्ट्रस का मतलब ये है कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है वो, बहुत अच्छा, am I right? सर पर दोनों तो एक ही जैसे प्रॉपर्टी है, क्यों भाई, ल्यूमिनस की खुद की वो है, कह सकते हो कि खुद की उसकी लाइट है, am I right? ल्यूमिनस तो वही होता है जिसकी खुद की लाइट की लाइट, मून है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस है, सर नॉन ल्यूमिनस क्योंकि वो सर नॉन ल्यूमिनस करता है, सर नॉन ल्यूमिनस सही तो बोल रहा हूँ, ल्यूमिनस तो वो है ना खुद का उसका लाइट सोर्स है, सर गोल्ड नॉन ल्यूमिनस हुआ ना फिर, हाँ जो जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी भी लेयर लाइट को रिफ्लेक्ट करके शाइन कर रहा है वो नॉन ल्यूमिनस हुआ, ओके सर फिजिक्स में घुसा रहा हूँ बेटा, मेरे को ये फिजिक्स की बातें फिजिक्स तक रहें दो, ठीक है, मेटल क्लियर है क्या बेटा, क्या आगे बढ़ते हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, नॉन मेटल पूरा कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा, तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, तो अब हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, देखो पहला प्रॉपर्टी आता है इट इज नीदर मिलिएबल, नॉन डक्टाइल, ना तो ये मिलिएबल है ना तो ये डक्टाइल है, सर इसका सारे अपोजिट होते हैं, इट इज ब्रिटल, तो अगर आप हैमर करोगे आपके नॉन मेटल को इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है, लेट मी फाइंड सम ब्रिटल नॉन मेटल, चारकोल की तरह सर, हाँ किसी भी चीज को अगर आप हैमर करो टुकड़ों में टूट जाए वो, तो वो ब्रिटल है, सल्फर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने अच्छे नहीं होते, अच्छे नहीं होने के कारण वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है, क्या ये बात सर, वैसे यहाँ पे गैसियस नॉन मेटल्स तो एक्सेप्शंस में आएंगे ना जो ब्रिटलनेस, अब वही लिक्विड सॉफ्ट, सर लिक्विड भी सॉफ्ट, क्या जैसे आप मर्क्यूरी को सॉफ्ट कर रहे थे है ना, तो मर्क्यूरी क्या है सॉफ्ट, लिक्विड है, तो सॉफ्ट मेटल में हम सोडियम पोटेशियम नहीं लिया था इसलिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये कोई भला मानुस है,
देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से मेटल पे हैमर कर रहा है, ये पीसीस में टूट चुका है, टूट चुका है ना? यस सर, यस सर, ऐसा इसलिए हुआ है yes, क्योंकि वीक इंटर पार्टी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. याद है ये बात सर? है तो ऐसे तो सोडियम और पोटेशियम भी नहीं है अवेलेबल और डक्टाइल एक्सेप्शन कह सकते हो बिल्कुल पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपके नॉमेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम. एक्सेप्शन हो गया ना इस केस में? क्या सोडियम और पोटेशियम बीच वाले केस में एक्सेप्शन हो गया ना? हाँ बेटा मैं और कैसे बोलूं. हाँ सही है, सही बोल रहे हो. एक्सेप्ट सर फास्फोरस सर ग्रेफाइट जो है वो आपका गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का. समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हुआ है. ये बड़ी पुरानी कहानी है, एक जमाना था जब ग्रेफाइट शक्ति निकाल दो मेरे को बात ना ही बताया था मैंने तो वो जमाना आप गया जब पेन से बनता स्ट्रक्चर. अब हमारे पास गूगल है, गूगल अंकल हमारी हेल्प कर रहे हैं. अब देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेफाइट का लेयर्ड शीट स्ट्रक्चर है. ग्रेफाइट फॉर्म लेयर्ड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है. नाउ आपका जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड मेंशन किया हुआ है. और इन दो लेयर के बीच जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉन्डर वॉल बॉन्ड या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्ड कुछ नहीं होता है, बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है. बच्चा बॉन्ड सुन के कांप जाता है, क्या पूछ लिया उससे? कुछ नहीं होता, बॉन्ड जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है. ठीक है, कोवेलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हुआ है वो कोवेलेंट है. वॉन्डर वॉल्स जो है नॉन बॉन्डेड एटम्स जो होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं. आप देख सकते हो यहाँ पे ये एटम और ये एटम आपस में बॉन्डेड नहीं है पर फिर भी इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये एटम और ये एटम. इस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? वॉन्डर वॉल बॉन्ड या वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप ध्यान दो तो एक कार्बन जो है वो तीन कार्बन से अटैच है, सारे कार्बन है. आपको ये भी पता है कि एक कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है. इन सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए चार्ज को कैरी करने के लिए. और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इट विल एक्ट एज अ चार्ज कैरियर. एंड चार्ज कैरियर जो होते हैं आपके वो क्या करते हैं? वो चार्ज को कैरी करते हैं एक एंड दूसरे एंड तक और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कराते हैं. तो दिस इज हाउ योर ग्रेफाइट लुक्स लाइक एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट. टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट, मैं इसको डिलीट कर दूंगा इसको. सर डन. सर इसलिए हम मेटल और नॉन मेटल को सर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बजाय केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाई करते हैं क्योंकि सर फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक्सेप्शंस के कारण कंफ्यूजन हो सकती है. बेटा आवाज नहीं आ रही आपको, जोर से बोलो. खाना पीना खाया करो, जोर से बोला करो, जोर से बोलो. अरे क्या हो गया, तू बोल ही नहीं रहा, अब नाराज हो गया बेटा? सर मैं ये कह रहा हूँ सर इसीलिए आवाज कट रही है बेटा तुम्हारी. भाई थोड़ा तेज बोल. इसीलिए हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर डिवाइड करते हैं रेदर देन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. एग्जैक्टली हम दरअसल मेटल और मेटल को केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं. हम ओवरऑल देखते हैं बेटा, वैसे बताऊं ना ओवरऑल देखते हैं हम, ठीक है, सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं बट जो बेस है वो केमिकल प्रॉपर्टी है. और राइट, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे अभी आने वाले क्लासेस में. सो आई सेड मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हैं आपके सर वो भी. हाँ बोलो सर. ऑलोट्रॉपिक फॉर्म क्या है कार्बन की? अरे शांत रहे अभी. ऑलोट्रॉपिक
तो आप एलोट्रॉप की बात करी मैंने भी? नहीं करी ना, रिलैक्स रहो बेटा। बिना तुम्हें ये सारे टर्म्स पढ़ाए नहीं भेजूंगा मैं तुमसे ज्यादा। मुझे तुम्हारी टेंशन है कि जब तुम एनटीएसी में बैठो तो तुम्हें मेरे बारे में तुम अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है? कि मास्टर नहीं देवता है, ठीक है? तो सब कुछ सिखा के भेजूंगा, डोंट वरी। जो टर्म्स एनटीसी के लिए चाहिए सब बता दूंगा, बोर्ड सब बता दूंगा, एलोट्रॉपी सही समय पर ढंग से एग्जाम्पल भी दूंगा। एलोट्रॉपी एक लाइन की बात नहीं है, एलोट्रॉपी पूरा एक टॉपिक है 15 से 20 मिनट का। समझना हो तो पर्सनली मुझसे बात कर लेना। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की बात कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इसका मतलब यह है अगेन मॉलिकुलर वाइब्रेशंस के कारण, मॉलिकुलर नॉन मेटल्स में, इसलिए इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक्सेप्ट एग्जाम्पल पता किसी को? द ग्रेफाइट, डायमंड एंड ग्रेफाइट। कहते हैं कि डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये पैकिंग ऐसी होती है ना कि ये अपने अंदर के पार्टिकल्स को बहुत सा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन से क्या करते हैं, मूव कराते हैं और उसको आगे पास कर देते हैं। हाँ क्या बोल रहे हो? एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था कि डायमंड को बंद करूंगा तो क्या होगा। आप देख सकते हो कि डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, एक कार्बन जो है तीन चार दूसरे कार्बन से टेट्राहेड्रली अटैच्ड है, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन फुलफिल हैं, इसलिए डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये जो पैकिंग है, ये पैकिंग इतनी अच्छी होती है कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस में जो है हीट वेरी इजिली पास डाउन टू द अदर एटम, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स अ गुड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। लेट मी टेल यू, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप। ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप हैं। जब कोई एलिमेंट एक एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू चेंजेस इन इट्स स्ट्रक्चर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप। यहाँ पे डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के एलोट्रॉप है, कार्बन के ही सारे एलोट्रॉप ही है, एक दूसरे के नहीं, कार्बन के एलोट्रॉप है। एक और आता है बकमिंस्टर फुलरिंग, हम फोर्थ चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एलोट्रॉप के लिए छोटा सा इंट्रो, हाँ जस्ट बिकॉज आपका सा फील ना हो किसी ने बताया नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सर देते हैं और आइस पर आए ना कंडक्शन कन्वर्ट होते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन फॉर्म में। क्या बेटा? सर ये इलेक्ट्रॉन फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन से ना? आवाज समझ नहीं आ रही मुझे आपकी। सर आइसोमराइजेशन रिएक्शन से कन्वर्ट होते हैं ना अपने इलेक्ट्रॉन्स में? हां बेटा आइसोमराइजेशन होता है, बिल्कुल होता है इनके बीच में। 11th में थोड़ा बहुत उसका आइडिया मिल जाएगा आपको। 11th में जब पढ़ाते हैं ना कार्बन फैमिली तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अगला पॉइंट में मेंशन किया है कि आपका जो नॉन मेटल है नॉन सोनरस है, यानी कि दो नॉन मेटल आपस में कोलाइड होंगे तो रिंगिंग साउंड क्रिएट नहीं होगा। नॉन लस्टरस है यानी कि इनका सरफेस शाइनी नहीं होता, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन का शाइनी सरफेस होता है, ठीक है? लेट मी शो यू आयोडीन नाउ। क्या बोल रहे हो सर? यस कह रहा था। अच्छा सर ग्रेफाइट भी होगा? ग्रेफाइट इतना नहीं होता बेटा। अभी आप आयोडीन देखो और आप ग्रेफाइट को जज करना, क्या ग्रेफाइट को आप कह सकते हैं शाइनी ऐसा? सर एक एंगल से देखा जाए तो हो जाता। नहीं शाइनी इतना नहीं होता ग्रेफाइट। ये देखो क्या इतना शाइनी होता ग्रेफाइट? नो सर इतना नहीं होता। नो सर डल कलर होता है। आप देखो लस्टरस प्रॉपर्टी को देखो, समझो एकदम चमकदार सरफेस, आपके ग्रेफाइट ऐसा नहीं होता। आप देख सकते हैं अभी अभी आपने देखा कि लस्टरस सरफेस कैसा है आयोडीन का, इसलिए एक्सेप्शन है। अगला आता है सर नॉन सोनरस में एक्सेप्शन नहीं है ग्लास का? ग्लास कंपाउंड हो जाता है, एलिमेंट कहाँ है ये सर? ग्लास लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, ठीक है? ये पॉइंट बहुत
सर कार्बन बोरोन और सिलिकॉन तो होता है इसमें दोनों कंडक्टर सर ग्रेफाइट का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना एक्सेप्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट सर बोरोन नहीं आएगा बोरोन क्या है एलिमेंट है भाई मेटलॉइड है बोरोन इनफैक्ट यस सर बोरोन और सिलिकॉन इनका तो अराउंड 3500-3700 के बीच में होता है बेटा इन दोनों का ठीक है यहां से क्वेश्चन बनता है विच वन इज मोर स्टेबल डायमंड और ग्रेफाइट यार क्या हो आप लोग पता करो होमवर्क है ठीक है अच्छा आप लोगों का मान लो कभी एनटीएससी एग्जाम हो और आपको सिलेबस बाय चांस मालना पड़े तो आप अपने मन में ही बैठा लेना सर ने जहां तक पढ़ाया कुछ भी आ सकता है ये मेरा स्ट्रेटेजी है बेटा कि अगर मैंने आपको यहां तक पढ़ाया तो मैं फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टी से कुछ भी पूछ सकता हूँ ये मेरा हक है समझ रहे हो सिलेबस क्या टॉपिक क्या पूरा रिवाइज करूँ ना क्या दिक्कत है जब आप पूरा रिवाइज करोगे ना बार बार ये कंटेंट आपके टिप पे आ जाएगा सारा यस सर आपने अगर एक मूवी है चांदनी चौक टू चाइना देखी किसने यस सर मैंने देखी इसमें एक लड़का होता है सिद्धू तो उस जब वो कुंफू सीखता है ना तो उससे उसका गुरु बोलता है कि मुझे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है मुझे उस मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस करी है आसान मशन बता रहा है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में परफेक्ट हो जाओगे तो बेटर स्टार्ट फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन ठीक है आपको क्या लगता है बुक खोल के बैठा हूँ पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ नहीं ये रट गया मेरे को इतना प्रैक्टिस किया पढ़ाने का कि रट गया मेरे को मैं तो नींद में ही बोल जाऊंगा सारी बातें तो ये प्रैक्टिस के साथ आया है समझ रहे हो आपके जो बेटा नॉन मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी भी लो होती है यू कैन से लो डेंसिटी दे हैव लो डेंसिटी ठीक है सर एक्सेप्ट एक्सेप्ट आपका डायमंड ले सकते हो डायमंड की डेंसिटी हाई होती है शायद यस सर डायमंड की हाई होती है जो कलर्स की बात करूं ना कलर की तो आपका जो नॉन मेटल है कोई फिक्स नहीं है इसमें देयर आर वेरियस कलर जैसे कि ऑक्सीजन की बात करूं ऑक्सीजन जो है कलरलेस होता है नाइट्रोजन गैस कैसा होता है कलरलेस होता है क्लोरीन गैस कैसा होता है येलोइश ग्रीन होता है येलोइश ग्रीन नाइट्रोजन तो ब्राउन होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है नाइट्रोजन बोला है मैंने देन ब्रोमीन कैसा होता है रेड ब्राउन यस सर आयोडीन पिंक कलर का होता है ठीक है और बताओ सल्फर आयोडीन थोड़ा पिंक येलो अल्फा येलो कलर फास्फोरस रेड भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है और पर्पल भी हो सकता है ब्लैक ठीक है ब्लैक भी होता है राइट ग्रेफाइट ब्लैक बिल्कुल व्हाइट ब्लैक भी होता है तो आप सभी देख सकते हो यहाँ पे There are various colors available in non-metals. So, ऐसा कोई fix नहीं है. Next property ये मैं कहूँगा. Screenshot लीजिए फटाफट इसका. Yes sir. Done. सर आपके question का answer graphite. लिख लिया sir. Next property है low tensile strength. अगर आप non-metals के bridge बनाओगे तो bridge ही टूट जाएगा. ठीक है? तो तभी मेटल्स के ही मेटल के ही रॉड डाले जाते हैं या मेटल के साथ कॉम्बिनेशन में ही वो रॉड्स बनते हैं वही स्ट्रेंथ देता है नॉन मेटल्स आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग कि इसके दम पे आप कोई ब्रिज खड़ा कर लो या कोई लोड उठा ले इतना दे आर वीक मेटल्स जो हैं सॉरी नॉन मेटल्स उसमें डायमंड भी तो आएगा ना एक्सेप्शन में वो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है ये गैस में भी एग्जिस्ट कर सकता है इसका कोई फिजिकल स्टेट फिक्स नहीं सॉलिड में कार्बन है सल्फर है फास्फोरस है लिक्विड में
बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से ब्रोमाइन ब्रोमीन जो बोल लो गैस में ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है क्लोरीन गैस है ब्रोमीन गैस है नोबल गैस है सारे आपके गैसेस फॉर्म में ही है और कोई पॉइंट रह गया क्या इसमें बताओ नो सर एक पॉइंट रह गया बेटा जो मुझे अभी याद आया है कि मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड 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 हार्डेस्ट एलिमेंट ध्यान सुनिएगा डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट सर नॉन मेटल्स सर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट हार्डेस्ट एलिमेंट बोला मैं मेटल बोला क्या सर आपने ऊपर पॉइंट पे नॉन सर आपने अपने मेटल्स लिख रखा है ओह सो सॉरी ओहो वो मेटल क्या है ना तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड अच्छा मैं आपसे किसी पूछूं व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस सबर्जाइट बोरोन नाइट्रेट अरे वेरी गुड वेरी गुड पता है मतलब है यस सर आपने बताया था पिछले साल भी बताया है ना वेरी नाइस और कोई पॉइंट याद आ रहा है आप लोगों को इसमें आप ऐड करना चाहेंगे सर इसमें फॉस्फेट हो सकता है डायमंड के साथ एक्सेप्शन में वो भी हार्ड होता है और नॉन मेटल है यस सर हमारी हड्डियों में होता है यस सर फॉस्फेट लेकिन सर पूरी तरह से वही नहीं होता कैल्शियम भी होता है साथ में कंपाउंड है आशा करता हूँ बेटा कि आप लोगों को ये मेटल नॉन मेटल की कहानी समझ में आई आई थिंक सर सर एक चीज पूछनी थी क्या सर एक चीज पूछनी है हमारी चीज पूछ बेटा यस सर सर हमारी टीचर ने फिजिकल प्रॉपर्टीज में ना एक पॉइंट ऑक्साइड ही लिखवाया था बोले केमिकल में ऑक्साइड मेटलिक ऑक्साइड मेटलिक एंड नॉन मेटलिक और एसिडिक सर ये क्या है केमिकल में तो आएगी बेटा एक केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्साइड्स वगैरह सारी केमिकल प्रॉपर्टी है सर हमारी टीचर ने दोनों में लिखवाया क्या हमारी टीचर ने दोनों में लिखवा दिया हमें फिजिकल में भी लिखवाया हुआ है पॉइंट अरे बेटा देख स्कूल वालों को सिलेबस खत्म कराना है मुझे पढ़ाना है तो तूने देख लिया होगा कि मैं कितना लिखवा रहा हूँ समझा रहा हूँ इमेजेस लेकर के आ रहा हूँ और स्कूल की मैम कैसी पढ़ा रही है तुझे ये भी पता होगा मैं डिटेल में जाऊंगा बेटा क्योंकि मेरे को तुम्हारा रिजल्ट जनरेट करवानी है और रिजल्ट ही मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ठीक है तो मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ठीक तो मैं तो भली में टाइम लग जाए और मुझे रिजल्ट देना है बच्चों को सर यहाँ पे जो सर यहाँ पे जो डक्टिलिटी में एक एक्सेप्शन नहीं होगा कार्बन फाइबर का नॉन मेटल में क्या क्या सर कार्बन फाइबर भी तो नॉन मेटल होता है लेकिन वो तो डक्टाइल होता है एग्जैक्टली आजकल कार्बन फाइबर ट्रेंडिंग है डायमंड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कार्बन फाइबर यू आर राइट बट अभी ना बेटा ऑन डिटेल ये आया नहीं है इतना ऑन बुक ना ये चीज आई नहीं है इतनी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है अभी पर मैं इस बात से अग्री कर रहा हूँ कार्बन फाइबर इज मच स्ट्रॉन्गर देन डायमंड और सर वो डक्टाइल भी होता यस ये जो जेट फाइटर्स बनते हैं उसी से बनते हैं सर कार्बन फाइबर सुना था सर यस सर याद है जेट फाइटर्स का जो है बेटा उसका फ्रेम जो है इसी से बनता है एंड आई होप इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे देश में भी रफाल आया है और आई होप वो टिके यस सर आज की क्लास सभी को समझ में आई चैट बॉक्स में डायमंड के साथ एक्सेप्शन में फॉस्फेट नहीं आ सकता डायमंड सर क्या आ सकता है फॉस्फेट नहीं आ सकता फॉस्फेट सर फॉस्फेट से फॉस्फेट से मतलब कोई एक कंपाउंड नहीं है फॉस्फेट एक अनायनिक ग्रुप है उसके साथ बहुत सारी चीजें अटैच होती हैं समझ रहे हो यस सर So phosphate is not only about one particular compound, so you have to give me complete name of that.
सर बोलो सर, फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी आ सकती है? स्टेबिलिटी नहीं, अभी स्टेबिलिटी किसमें बात नहीं करेंगे हम, इसमें स्टेबिलिटी नहीं आएगी, केमिकल प्रॉपर्टी में आएगी स्टेबिलिटी। और बताओ। सर एक डाउट है। क्या डाउट है सर? जो निकोल प्रिज्म होता है सर, वो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कैसे कर देता है? गुड क्वेश्चन बट कैन नॉट बी डिस्कस्ड हियर, यू कैन पिंग मी, विल सेंड यू डिटेल्स। श्योर सर। सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई फॉर्मूला होता है उसका पर्टिकुलर? बेटा पॉलिंग स्केल्स वाले फॉर्मूले होते हैं बट वो उसकी जरूरत नहीं है अभी आपको, पॉलिंग स्केल वाला पढ़ोगे सारा कुछ हायर क्लासेस में। अरे डाउट, एक क्वेश्चन में डाउट था मुझे, कॉल प्रिज्म वाला सो मैं पूछ सकती है सवाल? सर यस। हाँ तो बेटा तू मुझे पिंग कर देना, मैं तेरे को निकोल प्रिज्म समझा दूंगा, अभी नहीं समझा पाऊंगा ऐसे। sure, क्लास ये बेसिकली क्लास 12th में इस पे हम जा इस पे काम कराते हैं, जब हम क्या बोलते हैं एक कारल कार्बन कारल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स पे हम जब काम करते हैं ना, तो मैं तेरे को एक फोटो भेज दूंगा कि ये किस तरह ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है, वो तेरे को उसमें समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं डिटेल दे दूंगा वॉइस रिकॉर्डिंग करके। ओके सर, ओके थैंक यू सर। सर एक डाउट था मुझे क्वेश्चन में सर, उस क्वेश्चन वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने पूछा था कि एक आइसोटोपिक गैस को दो डिस्चार्ज ट्यूब में लिया गया है, सेम आइसोटोपिक गैस को, और दोनों में जो है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फिर भी दोनों का जो डिफ्लेक्शन है दोनों में वो डिफरेंट आ रहा है, बताओ कैसे? बड़े क्वेश्चन को व्हाट्सएप करना ठीक है। क्या होता है आप जो बोल रहे हो और क्वेश्चन का जो मायना होगा ना अलग अलग होगा ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता नहीं तो मुझे समझ नहीं आता, बच्चे के स्टेटमेंट से मुझे समझ नहीं आती चीजें, क्योंकि आप जो बोल रहे हो जो आपने समझा है ना। यस सर। मैं वो पढ़ूंगा जो मुझे समझना होगा, तो सेंड मी पिक ऑफ दैट क्वेश्चन, आई विल गिव यू आंसर। ओके सर। ओके सर। ये पाठक जी हैं, ये पाठक जी जो सवाल पूछ रहे थे हमसे मोलारिटी वाला, गए? यस सर यस। अवेलेबल अभी हो बेटा? आर्यन पाठक। यस सर हूँ। हाँ बेटा दोस्त, वो पीएच वाला सवाल अगर सॉल्व ना हो तो पिंग मी, आई विल गिव यू सॉल्यूशन। ओके सर। क्लास एंड करें बेटा? यस सर कर दो। यस सर कर दो। यस सर। यस सर। ईट स्लीप रिपीट सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर।